फ्रेंड्स, मैं गरिमा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द परफेक्ट पैलेट बाय गरिमा में। आज मैं बनाने वाली हूं बच्चों और बड़ों का सभी का फेवरेट टोमेटो सूप। और इस सूप को बनाते समय मैं छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप भी अपने घर में इसे ज़रूर बनाइए। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। टोमेटो सूप बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो 5 टोमेटो को रफली चॉप कर लिया है, मैंने 1 बीटरूट को रफली चॉप कर लिया है, 1 मैंने पोटैटो को रफली चॉप कर लिया है और मैंने 1 अनियन को रफली चॉप कर लिया है और मैंने 7 से 8 गार्लिक क्लोव्स ले ली हैं और लगभग 1 इंच के करीब जिंजर का टुकड़ा कर ले लिया है और मैंने 1/2 गाजर ले ली है। अब सबसे पहले तो हम हमारी वेजीज को पका लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है और इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब बटर डालेंगे। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, तो मैंने 2 तेज पत्ते लिए हुए हैं, 4-5 मैंने काली मिर्च ली हुई है और 1 मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया हुआ है। तो ये सब हम डाल देंगे। अब हम हमारी सब्जियां डालेंगे, तो सबसे पहले हम जिंजर गार्लिक डाल देते हैं। चलाते हुए भूनेंगे। अब बाकी सब्जियां डालेंगे हम। इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब सबसे लास्ट में हम टमाटर डालेंगे, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम 1 से 1.5 कप के करीब पानी डालेंगे। हम कुकर लगा देंगे। और इसको हम तेज आंच पे 1 सीटी ले लेंगे और उसके बाद 2 मिनट तक पकने देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कुकर। ये देखिए हमारी सब्जियां गल गई हैं और जो हमने खड़े मसाले डाले थे वो अब हम निकाल लेंगे और सब्जियों को थोड़ा ठंडा करने के बाद फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और हमें सब्जियों को ठंडा ज़रूर कर लेना है, नहीं तो जब हम ग्राइंड करेंगे तो जो मिक्सर ग्राइंडर का जो ढक्कन है वो बार बार खुल जाएगा। अब हम हमारी वेजिटेबल्स को इसमें स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए हमने हमारी वेजिटेबल्स को स्ट्रेन कर लिया है। अब हम इसे ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमने सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है, उसकी प्यूरी बना ली है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। और हम इसमें बीच बीच में थोड़ा सा जो पहले टमाटर का पानी निकाला था वो यूज़ करेंगे।
प्यूरी छान ली है, ये देखिए उसमें सिर्फ इतना सा ही हमको वेस्ट मिला और पूरी प्यूरी स्ट्रेन हो गई है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब हमने पैन गरम होने रख दिया है और इसमें हम हमारी स्ट्रेन की हुई प्यूरी डालेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, ये देखिए इसमें कितना बढ़िया कलर आया है। मैंने इसमें बीट रूट डाला था तो इसमें मुझे आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अब हम इसमें जो हमारा स्ट्रेन किया हुआ पानी था, इसका जूस टोमेटो का, वो भी डाल देंगे। अभी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा ही गाढ़ी लग रही है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। टोमेटो सूप में ब्लैक सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए इसमें हम 1 चम्मच शुगर भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और चूंकि मैंने इसमें गाजर और आलू डाला था तो मुझे इसमें कॉर्नफ्लावर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इसको गाढ़ा करने के लिए। ये आलू और गाजर से खुद से ही बहुत बढ़िया इसने कंसिस्टेंसी ले ली है। और अगर आप गाजर और आलू ना डालना चाहें तो आपको इस स्टेज में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालना पड़ेगा इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। अब हम इसको एक बॉयल ले लेंगे और फिर हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इस स्टेज में अगर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं। मैं फ्रेश क्रीम नहीं डाल रही हूँ। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी फ्रेश क्रीम की गार्निशिंग कर देंगे। थोड़े से धनिया पत्ता डाल देंगे और इसमें थोड़े से ब्रेड क्रूटोन्स डाल देंगे। ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म टोमेटो सूप बिल्कुल एकदम तैयार है। आप भी इसे घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना एकदम बिल्कुल मत भूलिए, इससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। थैंक यू।